हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। आप लोग को कई एक बार आपके चैनल में भी हम बता चुके हैं कि कोई गढ़ नहीं है, कहीं भी एक जात का बास नहीं है, यहाँ सर्वो समाज बास करते हैं। इसलिए इस सर्वो समाज का गढ़ है, जनता का गढ़ है, मतदाता का गढ़ है, किन्हीं का गढ़ नहीं है। यहाँ जनता मालिक है, जनता का गढ़ है। नमस्कार, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के समनीमा गांव में। और आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं ये सभी लल्लू मुखिया जी के समर्थक हैं। मैं यहाँ पे बोलो तो बिहार कर रहा था और ये जनसंपर्क के लिए यहाँ अचानक आए हैं। आइए हम बात करते हैं लल्लू मुखिया जी से, किस तरह का रिस्पांस जनता का मिल रहा है। पहला सवाल मेरा आपसे यही है। बहुत काफ़ी जनता का उत्साह और स्नेह और प्यार हमारे साथ है। गांव के गांव, टोला मोहल्ला, हर जगह से सभी माता बहनें, बुजुर्ग, नौजवान सभी लोग मेरे साथ हुजूम में चलना शुरू कर देते हैं। सब लोग का आशीर्वाद मुझे प्राप्त। सभी लोग हम देख भी रहे हैं कि इतनी बड़ी, हम कहेंगे अपना कैमरामैन से कि एक बार कैमरा घुमाकर दिखाएं कि इनके साथ चलने वाले लोगों की तादाद कितनी है, कितनी बड़ी संख्या में जो है जनसमूह इनके साथ चल रहा है। और जहां जाते हैं वहां पे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। अभी हम फेसबुक पर देख रहे थे रामनगर देरा गांव का, तो वहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। ये बताएं कि जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन लोगों में एक छटपटाहट है, बेचैनी है कि लल्लू मुखिया जी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा। जैसा कि मेरी अभी यहाँ बात हो रही थी, तो लल्लू मुखिया जी इस पे क्या कहें। देखिए, सभी पूरे बाढ़ विधानसभा, सभी माता, सभी बहनें, सभी बुजुर्ग, सभी नौजवान, सभी को अपना बेटा चाहिए, अपना बेटा को बनाना है, अपना भाई को बनाना है, अपना भतीजा को बनाना है। और हम बाढ़ विधानसभा के बेटा हैं, इसलिए हमको सभी सर्वो समाज मिलकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमको, और जहाँ तक बात रहा, आप बोले टिकट के और अथी के, इसलिए देखिए, टिकट जब तक जनता का समर्थन नहीं होगा, जनता का स्नेह और प्यार नहीं होगा, जनता का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक टिकट मिलने से कोई विधायक नहीं होगा। और कैंडिडेट को जब तक जनता के बीच में रहा हुआ नहीं होगा, जनता का सेवा पहले से नहीं किया होगा, वो एक बैक आकाश से टपक जाने से, टिकट लेके आ जाने से, वो विधायक नहीं होगा। जो कि आपको जीता जागता उदाहरण अभी 15-20 वर्षों में 4 बार इलेक्शन हुआ है, आप देख रहे हैं नतीजा। इसलिए सभी भाई बंधु बुजुर्ग सर्वो समाज के लोग हमको स्पष्ट कर दिए हैं कि आपको टिकट मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, आपको निर्दलीय भी लड़ना है। लल्लू मुखिया जिंदाबाद, दावा कर रहे हैं लल्लू मुखिया जी, टिकट मिले ना मिले लेकिन हम निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे, आप जीतते हैं, आप किसके साथ खड़े होंगे। देखिए, जनता और सभी माता बहनें, गार्जियन, नौजवान मिलकर हमको जब आशीर्वाद दे रहे हैं, सर्वो समाज के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वह भी निर्णय हमारा जनता का। जी, जहां कहेंगे, जिधर कहेंगे, उधर हम जाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जी
जीत जाने के बाद अपना मन से जिधर मन तिधर हम दौड़ के घुस जाएंगे। औसा भी जो हमको बना करके यहाँ से भेज रहे हैं उनका अधिकार है और उनका राय जानना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए उनका राय जानने के बाद ही कोई डिसीजन। अब एक नेशनल मुद्दा, कृषि बिल को केंद्र सरकार कृषि बिल ले आई है और इस बिल को लेकर के बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसानों का हित को छीन करके पूंजीपतियों के हित में डालने का काम किया है। किसान अपना अनाज अब मंडियों में नहीं बेच पाएंगे, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं उस बिल को लेकर। और आज ही प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसको लेकर 25 तारीख को जो है इसका विरोध करने के लिए पूरे बिहार में इसका विरोध करेंगे। वो क्या लल्लू मुखिया जी का इस बिल पे क्या स्टैंड है? देखिए, जो लोग बिल लाए हैं उन लोग किसान को क्या दिए हैं? खेती करते हैं, जोत बाग करते हैं, सारा खर्चा हम अपना पॉकेट से करते हैं, सभी किसान अपना पॉकेट से खर्च करते हैं, उसका वो रेट फिक्स करने वाला कौन होता है? जब हम परिश्रम करके उपजाएंगे और वो हमारा रेट क्यों फिक्स करेंगे? रेट फिक्स मंडी में काहे नहीं होगा? मंडी से रेट होगा, उनका रेट पर हम काहे उनको हम देंगे? वो कहेंगे 5 रुपये किलो दे देंगे, हमारा आने की लागत लगा है 4,000, और वो कहेंगे कि 3,000 में दे दो तो दे देंगे। इसलिए इसका हम लोग अभी जहाँ जहाँ सभा मेरा चल रहा है सभी लोग को बता रहे हैं कि अभी यह किसान विरोधी नीतियां जो लाया गया है इसको हम लोग डट कर इसका सामना करेंगे, डट कर इसका विरोध करेंगे, इस चीज़ को हम लोग नहीं मानेंगे, चाहे इसके लिए आंदोलन क्यों नहीं करना पड़े। और जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो 25 तारीख के आपके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि 25 के ही हैं, इसलिए उनको भी हम स्वागत करते हैं कि कम से कम गरीब गुरबा किसान के लिए, मजदूर के लिए अपना आवाज़ और अपना बुलंद कर रहे हैं, और इसके लिए उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इसी तरह से किसान के लिए, मजदूर के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे कोई भी किसान हो, सबों के लिए हित का काम करने के लिए वह भी स्टेप उठाए हैं। हम भी अपना जहाँ जहाँ सभा चल रहा है सभी जगह यह चालू है, और अगर यदि जो इसमें रेट फिक्सेशन वो करेंगे तो उसको हम लोग कदापि नहीं मानेंगे। हम लोग अपना रेट, किसान अपना जैसे मंडी में रेट होता था उसी तरह से रेट होगा, ना कि उनका रेट पर हम उपजाएंगे, हम चावल को धान से चावल बनाएंगे, हम कूट के रखेंगे, हम आएंगे कि हमको दे दीजिए हम बेचेंगे, वो हमारा बिचौलिया का है, वो दलाल का है बनेंगे। सरकार इसमें दलाली करने के लिए आए हैं कि जब किसान सब चीज़ उपजाए हमको दे दे, हम उसको आने की 5 रुपया चीज़ 7 रुपया में बेचेंगे, डायरेक्ट किसान को क्यों नहीं 7 रुपया मिलेगा? उस तरह से कहाँ वो आने की बैठे हुए हैं कि उनका अभी हमारा DAP खाद है, यूरिया है, कैसे बोरा है, उनसे पूछ लीजिए, और 1 बीघा के लागत धान लगाने में कितना खर्च आता है उनसे पूछ लीजिए, और उसके बाद वो रेट के बारे में सोचे कि क्या करना है। इसलिए हम लोग का जो जैसे मंडी में हमारा रेट होता था उसी तरह से मंडी में रेट हो, और हम लोग किसान लोग सभी वर्ग के लोग उनको कदापि माल नहीं देंगे। जब भी माल बेचेंगे तो मंडी में बेचेंगे, उनको माल नहीं देंगे कि वो हमारा दलाल बने। तो सुना है आपने, लल्लू मुखिया जी ने साफ कर दिया है कि हम पूंजीपतियों को किसानों का दलाल बनने का हक नहीं देंगे, और इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे। आखिरी सवाल आपसे,
आपसे बात हो रही थी टिकट को लेकर के, टिकट का बंटवारा बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में तमाम पार्टियां ये सोच के करती है, पता नहीं किसने कहा कि ये मिनी चित्तौड़गढ़ है, किसने मिनी चित्तौड़गढ़ का नाम दिया हम नहीं जानते, लेकिन ये ध्यान में रख कर दिया जाता है कि मिनी चित्तौड़गढ़ है तो राजपूत समाज को टिकट दिया जाए। इस धारणा को आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि ये धारणा बिल्कुल ही गलत है, निराधार है और टिकट का ये सही मापदंड नहीं है? देखिए, टिकट के लिए अभ्यर्थी होते हैं ना कि गढ़ होता है। और आप लोग को कई एक बार आपके चैनल में भी हम बता चुके हैं कि कोई गढ़ नहीं है, कहीं भी एक जात का वास नहीं है, यहाँ सर्वो समाज वास करते हैं, इसलिए ये सर्वो समाज का गढ़ है, जनता का गढ़ है, मतदाता का गढ़ है, किन्हीं का गढ़ नहीं है, यहाँ जनता मालिक है, जनता का गढ़ है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव को ये समझ के फैसला करना चाहिए, जिस पार्टी से आप टिकट चाहते हैं उनको ये याद करके फैसला करना चाहिए कि ये किसी एक कोई गढ़ नहीं है, जनता का गढ़ है? इस बार साबित भी हो जाएगा। और जो टिकट बांटना है माननीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को, टिकट बांटना है प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को, पार्टी के हायर आला कमान उन लोगों हैं, उनको टिकट किनको देना है, कैसे देना है उन लोग जाने। लेकिन एक बार उनको जरूर हम कहेंगे कि जो कैंडिडेट कभी किसी जनता के बीच में, किसी के भलाई के बीच में नहीं आया हुआ हो, उन लोग को तो कोई तुक ही नहीं है। और एक बार वो अपने से सर्वे करवा लें पूरे क्षेत्र में, और किसी को कैंडिडेट सब लोग जा कहता कि ई गढ़ है, वो गढ़ है, कोई गढ़ नहीं है, जनता का गढ़ है। इसलिए उन महानुभाव को भी चाहिए कि सभी लोग को क्षेत्र से फीडबैक लेने के बाद ही टिकट का निर्णय लें, और नहीं तो जैसे आज चार बार से टिकट देते आ रहे हैं, चार बार से हारते रहा है, और उसी तरह इस बार होगा, और सभी का जमानत भी जब्त होगा। यहाँ का बेटा, यहाँ का भाई, यहाँ का भतीजा के साथ पूरे बाढ़ विधानसभा के सभी भाई बंधु, माता बहन, गार्जियन, बुजुर्ग सभी लोग हैं। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थे कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया जी, जिन्होंने न सिर्फ किसानों के मुद्दे पे बल्कि आरजेडी के आला कमान को भी एक तरह से संकेत देने का काम किया कि अगर आप किसी गढ़ को ठेका मानकर टिकट दोगे तो परिणाम वही पुराना होने वाला है, नतीजा हार का आने वाला है, लेकिन जनता का गढ़ मानकर टिकट देंगे तो आप इस जन सैलाब के साथ होंगे और यहां से जीत का परचम फहराएंगे। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, बाढ़ समनीमा गांव। हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।